Hello, my dear students. So today we are going to read about our houses, okay? From chapter 6 and page number 23. Okay? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे घरों के बारे में. Chapter 6 से page number 23. और book कौन सा आपका? Environmental Studies, ठीक है ना? ऐसे आज हम लोग अपने घर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्या-क्या है. घर सभी को चाहिए है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए घर सभी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है ना. अ हाउस इज अ बिल्डिंग इन व्हिच अ फैमिली लिव्स. ऑल हाउसेस डू नॉट लुक द सेम. दे कैन बी बिग और स्मॉल, ठीक है ना. एक जो बिल्डिंग जो है वहाँ पे क्या है फैमिली रहते हैं, जैसे कि आप लोग परिवार के साथ रहते हैं कि नहीं, सभी अपने अपने परिवार के साथ घर पे रहते हैं. ऑल हाउसेस डू नॉट लुक द सेम, इसका मतलब जो है सभी घर एक जैसे नहीं होते हैं. कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का शेप अलग होता है, किसी का शेप अलग होता है, किसी का अलग मटेरियल से बना होता है, किसी का अलग मटेरियल से बना होता है कि नहीं. तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या क्या है. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम लोगों को सभी को क्या चाहिए, घर रहने के लिए घर चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है ना, चाहिए. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. और जो घर है हम लोगों को किस किस चीज़ों से सुरक्षा करते हैं, सेफ प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए, हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, सर्दी से है कि नहीं, और रेन बारिश से, ये सारी चीज़ों से क्या करते हैं, कर हमें बचाया रखते हैं. और बाकी भी अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ों से. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल्स, थीव्स एंड रॉबर्स. इन दिस वे इट प्रोवाइड अ सेफ्टी एंड कंफर्ट. इसका मतलब हम लोगों को ये चीज़ों से भी सुरक्षित रखता है कि जो आवारा जानवर होते हैं ना, ठीक है, उससे, चोरों से, थीव्स मतलब चोरों से, रॉबर्स मतलब लूटोरे से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं. और उसके बाद इसी तरह ये हमें सुरक्षा और आराम प्रदान करता है. इसका मतलब इन दिस वे इट प्रोवाइड्स अस सेफ्टी एंड कंफर्ट. इसका मतलब क्या है, इसी तरह ये हमें सुरक्षा और आराम प्रदान करते हैं, ठीक है ना, सुरक्षा करती है सारी चीज़ों से. अब नीचे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब घर कैसे कैसे होते, क्या क्या होते, आज हम लोग यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो यहाँ से स्टार्ट करें. सम हाउसेस आर पक्का हाउसेस. अ बंगलो इज अ पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर मेड ऑफ स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन एक्सेट्रा. इसका मतलब ये है कि ये क्या है, बंगलो, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये एकदम पक्का होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं कि नहीं, ये क्या है, पक्का होता है. क्यों पक्का होते हैं ये, क्योंकि स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड से बना होता है. इसका मतलब ईंट, सीमेंट से जो आयरन रॉड होते हैं, ये सारी चीज़ें से बना होते हैं, इसलिए एकदम पक्का होते हैं. ये आसानी से गिरता नहीं है, अगर कोई भी, अगर मतलब हवा चाहे तेज से चले, चाहे जितने भी बारिश हो, ये गिरने वाला नहीं है, एकदम पक्का होती है, ठीक है ना, एकदम मजबूत होता है, ठीक है. तो ये हुआ आपका पक्का हाउस, देख रहे हैं ना. अब नीचे पढ़ेंगे हम कच्चा हाउस के बारे में. अब कच्चा हाउस कैसे बनते हैं, क्यों कच्चा है, ये देखते हैं, ठीक है ना. सम हाउसेस आर कच्चा हाउसेस. अ हट इज अ कच्चा हाउसेस. दे आर मेड ऑफ मड, वुड, स्टोन एक्सेट्रा. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. इसका मतलब आपके गांव में आपके, आप लोगों के घर भी ऐसे होंगे, मतलब मिट्टी से बना है, लकड़ी से बना होगे, है कि नहीं, बना होते कि नहीं घर में, जो पत्थर से बना होते वो एकदम कच्चा होते, ठीक है, एकदम क्या होते, वो एकदम कच्चा होते हैं, ठीक है. तो अगर वो, अगर तेज़ी से हवा चल गई तो क्या होगी, उसकी छप्पर जो होते वो उड़ भी सकता है, ठीक है ना. तो उतना मजबूती नहीं होता है, ठीक है. ये हुआ आपका क्या हुआ, कच्चा हाउस. आपको पक्का हाउस भी पता हुआ और कच्चा हाउस भी पता हुआ, ठीक है. सो हम
आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा हमारे घर के बारे में, और पक्का हाउस कौन से कैसे होते हैं, किस चीज़ से बना होता है, और कच्चा हाउस किस चीज़ से बना होता है, ठीक है ना। और भी अलग अलग घर हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।